और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है आज आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लें, सोमवार को भी बाजार में तेजी वाला रुख ही कायम रहा। इंट्राडे में सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार निकला। अंत में सेंसेक्स 103 अंक चढ़कर 69,928 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 28 अंक चढ़कर 20,997 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 52 अंक चढ़कर 47,314 के लेवल पर बंद हुआ। आइए संस्थागत निवेशकों के डेटा भी देख लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1261 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1032 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं अब। सिद्धार्थ, बाजार में तो जोश बरकरार है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के लिए कौन से रहेंगे? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार ने 21 तोपों की सलामी दी निफ्टी को 21,000 पार, साथ ही साथ सेंसेक्स भी 70,000 छू के आया। तो ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ एकदम दिखती है, बहुत जोरदार स्ट्रेंथ है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप। जैसे ही आज भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने काफी अच्छे फायरवर्क्स दिखाए। मैं ये कहूंगा कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। यहाँ पे हमने हमेशा हिस्टोरिकली देखा है, इलेक्शंस के जब भी सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, पिछले 5 सेंट्रल इलेक्शंस की बात करूंगा, फिर सेंट्रल इलेक्शंस के 6 महीने पहले 10-35% की बाजार में तेजी होती है। तो अभी तो शुरुआत है, मैं मानता हूं कि अभी भी काफी समय, काफी महीने बचे हुए हैं इलेक्शंस अनाउंस होने के पहले। बजट भी है पर वो इंटरिम बजट रहेगा। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है। आप बने रहे मार्केट में, सही स्टॉक सही वैल्यूएशंस को ढूंढ के अच्छी कंपनियों में बिल्कुल बने रहे, प्रॉफिट हो रहे हैं, बिल्कुल घबराए मत, उसको ट्रैक करते रहे, रिव्यू करते रहे, पर बने रहे मार्केट से, एग्जिट बिल्कुल ना करें। 21,000 देख के आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले निकल जाए, ये ना करिएगा। आप बाजार में बने रहिए, डटे रहिए, बिल्कुल बने रहिए बाजार में, यही है अभी की सही स्ट्रेटजी। सिद्धार्थ, अभी किसी को पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखना चाहिए? जी स्वाति, पोजिशनल व्यू के लिहाज से मैं बैंकिंग क्षेत्र से स्टॉक लाया हूं और वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक जो हम करीबन फरवरी 2018 से, मतलब कई सालों से रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंटों को, ये डिस्क्लेमर है। इस पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 464 का, 464 का। वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग बैंक, PSU बैंक है। लोन बुक करीबन 4.7 लाख करोड़, पैन इंडिया प्रेजेंस करीबन 5,700 ब्रांचेस है, डाइवर्सिफाइड है रिटेल एग्री MSME सेगमेंट में। और दूसरे तिमाही के जो NII ग्रोथ देखे गए हैं वो करीबन 23% से देखे गए हैं और मुनाफा 60% से बढ़ते हुए दिखा। बैंक टारगेट कर रही है 10-12% का क्रेडिट ग्रोथ ये साल में। मार्जिन्स की जो गाइडेंस कंपनी दे रही है वो 3.4% के करीब है। फोकस ऑन मार्जिन और एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने की तरफ रहेगा। रिटर्न ऑन एसेट्स 1% के करीब रहने की उम्मीद है। इंडियन बैंक इस पे खरीदारी की राय है, टारगेट आप रखें इंडियन बैंक पे 464 का। 464 के टारगेट के लिए पोजिशनल व्यू इंडियन बैंक में रखने की सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से, और टारगेट 464 के लिए इंडियन बैंक पर पोजिशनल खरीदारी की सलाह। सिद्धार्थ, अब आपसे जानना चाहेंगे हम, सिद्धार्थ कोई स्टॉप लॉस आपकी तरफ से रहेगा इंडियन बैंक पर? जी नहीं स्वाति, कोई स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये पोजिशनली ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं दी है। ऑलराइट, तो ये रही पोजिशनल खरीदारी की राय सिद्धार्थ की तरफ से। अब लॉन्ग टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक में? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको खरीदारी करनी है पेंट की कंपनी में और वो है कंसाई नैरोलैक। कंसाई नैरोलैक जो हम करीबन 2021 से, अप्रैल 2021 से विद अ डिस्क्लेमर हम रेकमेंड किए जा रहे हैं, इस पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट रखना चाहिए 393 का, 393 के टारगेट के लिए ये कंसाई नैरोलैक पे खरीदारी की राय। मार्केट लीडर है इंडस्ट्रियल कोटिंग्स और पेंट सेगमेंट में, थर्ड लार्जेस्ट है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में, और इनका डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में मार्केट शेयर भी इंप्रूव हुआ है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हम उम्मीद कर रहे हैं सेकेंड हाफ बेहतर रह सकता है क्योंकि
आफ्टर मॉनसून का जो मौसम रहता है सेकेंड हाफ, वो काफी स्ट्रांग रहता है पेंट सेगमेंट के लिए, और मार्जिन्स 14% के करीब अभी कामकाजी मार्जिन रह सकते हैं, जो जो करीबन अभी 10% पे है। रिवाइवल पैसेंजर व्हीकल सेल्स में, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ा सप्लाई करती है कंसाई नैरोलैक, तो पैसेंजर व्हीकल के सेल्स जैसे इंप्रूव होंगे, कंसाई नैरोलैक के भी सेल्स इंप्रूव होंगे, और कंपनी 14 नए प्रोडक्ट डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में लाने वाली है। तो कंसाई नैरोलैक मुझे लगता है कि क्रूड कच्चा तेल जो नीचे है, जो मार्जिन और इंप्रूव कर सकता है कंपनी का, इस पे खरीदारी की राय है लंबे समय के लिए 393 के टारगेट के लिए। कौन सा नैरोलैक 393 के टारगेट के लिए लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक? ये है पसंद सिद्धार्थ सिडानी की। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से दीपक हमारे साथ है। नमस्कार दीपक जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार, मेरे पास राज इंडस्ट्री के हैं, 555 पर लिए हुए 400 शेयर, और दूसरा मेरे पास हिंडाल्को के हैं, 440 पर लिए, 440 और 500 लिए हैं। तो इसमें मेरे 1 साल का व्यू है, तो क्या रहेगा? एक साल का व्यू सिद्धार्थ इनका प्राज इंडस्ट्रीज पर बिल्कुल, और हिंडाल्को पर ये रख रहे हैं। एक साल के नजरिए के लिए क्या लेवल्स, क्या टारगेट आप देख रहे हैं? हिंडाल्को में तो इन्हें 440 शायद इन्होंने अपनी खरीद बोली है, तो उस हिसाब से तो मुनाफे में है। कुछ कुछ हल्का नुकसान इनका प्राज इंडस्ट्रीज में है। एक साल का नजरिया कैसा? देखिए, 1 साल के नजरिए से दोनों ही कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, प्राज इंडस्ट्रीज पे बिल्कुल बने रहना चाहिए 1 साल के नजरिए से, ये इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती है तो इस पे बने रहे। साथ ही साथ हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को भी ठीक ठाक है, क्योंकि मेटल्स अभी मूव पे है तो हिंडाल्को भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट मेरा मेटल्स में अभी टॉप कन्विक्शन आइडिया चल रहा है हिंदुस्तान कॉपर, ये भी एच से ही है। हिंदुस्तान कॉपर अगर आप इससे निकल के लेना चाहे तो भी ठीक है, इसको बने रहना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है हिंडाल्को, बट पैरेलली आपको हिंदुस्तान कॉपर पे खरीदारी करनी चाहिए। ये हम दिवाली 2023 में रिपोर्ट में टेक्निकल कॉल्स में लेके आए थे, जहां पे हमारा टारगेट है 202 रुपए का, विद अ डिस्क्लेमर, हम करीबन दो एक महीने से रेकमेंड करते जा रहे हैं हमारे क्लाइंटों को। तो हिंदुस्तान कॉपर 202 के पोजिशनल टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, प्राज इंडस्ट्रीज में होल्ड कीजिए और हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक में खरीदारी के लिए आपको सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। पंजाब से पवन जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार पवन जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? बीसीएल, बीसीएल। ओके, अपने लेवल्स बताइए प्लीज। 175 खरीद कितने की है? 75 ओके, और कब तक का नजरिया है आपका? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। बीसीएल इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म का नजरिया 75 की खरीद। क्या स्ट्रेटजी, क्या राय है आपकी सिद्धार्थ स्टॉक पर? देखिए, मैं तो कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ बीसीएल इंडस्ट्रीज को लेके, और ना ही हम कवर करते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बैंकिंग क्षेत्र में आना चाहिए, जैसे कि इंडियन बैंक हो गया, ये सारी कंपनियों में शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस पे आपको एक अच्छा मुनाफा बन सकता है, तो बैंकिंग क्षेत्र में ध्यान दीजिए। तो बैंकिंग क्षेत्र में आपको ध्यान देने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। गुजरात से अगले कॉलर हमारे साथ है श्वेतांग जी, बताइए बताइए श्वेतांग जी। हेलो चेतन, माफ कीजिए चेतन जी, पूछिए अपना सवाल सर। मैडम, मैंने इरेडा आईपीओ के भाव से और आईईएक्स 153 के भाव से लिए है, तो उसमें क्या करना चाहिए? मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है। इरेडा पर ही सवाल है ना आपका और आईईएक्स पर? चेतन जी, इरेडा और आईएक्स पर सवाल है। ओके ठीक है, सिद्धार्थ दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी राय? देखिए, बहुत मुबारकबाद चेतन जी, आपको इरेडा लगा और दाम तो एकदम सुभान अल्लाह बहुत बेहतरीन भाग रहा है, 85 के करीब है, बिल्कुल बने रही है, मोमेंटम जारी है। साथ ही साथ आईएक्स की बात करें तो आईएक्स ऐसे तो कमजोर था, बट अब थोड़ा
थोड़ा सा ब्रेकआउट की तरफ आया है और मैं मानता हूं कि उछाल पे इस पे निकलिए, अभी इमीडिएटली निकलने की कोशिश ना करें क्योंकि इनका मार्केट शेयर इरोड हो रहा है, तो मुझे फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, बट सिंस मोमेंटम है स्टॉक में तो उछाल आएगा, स्लोली स्टेडीली आप इससे एग्जिट करें। और अगर यही स्पेस से अगर कोई आप कोई कंपनी चुनना चाहे तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है ये सेम स्पेस, पावर जनरेशन स्पेस। बिल्कुल, तो एनटीपीसी कैसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, ये राय आपके लिए आई है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। अगले कॉलर रवि जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है। मैम मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, 800 शेयर 89 के भाव पे, तो इसको भी मेरे को रखना है या मैं थोड़ा मुनाफा वसूल करूं? बैंक ऑफ बड़ौदा 89 में आपने लिया, कब लिया सर? ये मैम लोग 2-3 साल हुए। बिल्कुल, और कितने स्टॉक बताया आपने, कितने शेयर है? 800। काफी अच्छे मुनाफे पर हैं आप, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको देना हम चाहेंगे। और रवि जी के इस खरीद पर बैंक ऑफ बड़ौदा में, सिद्धार्थ आपकी क्या राय रहेगी ये जानना चाह रहे हैं, बने रहे या कुछ मुनाफा वसूली करना सही रहेगा अभी? देखिए रवि जी, मुझे मेरा मानना है कि आपको इस पे बने रहना चाहिए, कुछ और उछाल आने दीजिए, उसके बाद मुनाफा वसूली करिए। सबसे पहली चीज कि बैंक निफ्टी या बैंकिंग क्षेत्र अब थोड़ा सा बाहर निकला है तो ये मोमेंटम में आया है। दूसरी बात, पीएसयू बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रांग है, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छी कंपनी है, सेकेंड लीडिंग कंपनी है आफ्टर SBI, तो इसपे मेरा मानना है कि आपको बने रहना चाहिए, थोड़ा सा उछाल और आने दीजिए, 1-2 महीने देख लीजिए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करके आप दूसरे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो 1-2 महीने का नजरिया और रखने की सलाह आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अगले कॉलर घनश्याम जी हमारे साथ हैं अभी, नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है। मैम हमारे पास IRFC का है, रेलवे का। वो हमने 33 पे बाइंग की है, 500 शेयर। ठीक है, और कब तक के लिए रखना चाहेंगे? 1-1.5 साल। 1-1.5 साल, 33 की बाइंग है आपकी? 33। ओके, तो मुनाफा अच्छा है आपके पास IRFC में। अब क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? देखिए घनश्याम जी, इसमें आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक विकल्प होता है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के IRFC का कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट से समझ के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले और उसको ट्रेल करते जाए, क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में है, बजट में, हालांकि इंटरिम बजट आएगा अगले साल तो ऐसा कोई बड़े कोई फायरवर्क्स नहीं आने वाले, बट मोमेंटम में है सरकारी कंपनियां। और दूसरा इनके ऊपर और टेलविंड है कि ये रेलवे की कंपनी है, रेलवे को सपोर्ट करती है, तो मैं मानता हूं कि इस पे एक उछाल जरूर रह सकता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और ट्रेल करते रहे आपके बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी को जो आप 33 से लेके आ रहे हैं, इस पे बने रहे। बिल्कुल, तो रही राय आपके स्टॉक पर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर और आगे हम ब्रेक के बाद SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल। सिद्धार्थ आपकी नजर में 1-2 दिन के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? देखिए स्वाति, इसका भी नाम इंडियन से ही है, वो था पोजिशनल वाला इंडियन बैंक, अब ये है इंडियन होटल। जी हाँ, होटेल्स कंपनी की हॉस्पिटैलिटी स्पेस से इंडियन होटेल्स पर खरीदारी की राय है, 1-2 दिनों का नजरिया। टारगेट आप रखे 450 का, 450 का स्टॉप लॉस आप रखे 435 का, 435 का। ताज, विवांटा, चेन ऑफ होटेल्स और एवरेज रूम रेट बम्पर, जगह नहीं मिल रही है, इतने वेडिंग सीजन्स साथ ही साथ वेकेशंस, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी इंडियन होटेल, 450 का टारगेट, 435 का स्टॉप लॉस। इंडियन होटेल्स 1-2 दिन की खरीदारी के लिए पसंद है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी को, बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।